आइए देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के हैज हैव के वाक्यों को। पिछली वीडियो में हमने साधारण वाक्यों को देखा था और जिसमें मैंने देखा था कि हैज हैव का प्रयोग उन वाक्यों के लिए करते हैं जिसमें रखना या पास शब्द आ जाए, या रखना या पास शब्द ना आए तो उसमें जो है अधिकार प्रकट हो। जैसे मेरे पास एक गाय है तो इसमें पास शब्द आ गया, या मैं एक गाय रखता हूँ तब इसमें रखना शब्द आ गया तो इसमें मैं हैज हैव का प्रयोग कर दूंगा। एक वचन के लिए हैज का प्रयोग और बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो साधारण से वाक्यों को मैंने पिछली वीडियो में सीख लिया है। मेरे बाल काले हैं, आई हैव ब्लैक हेयर, तो इसमें रखना या पास शब्द जो है छिपा है तो इसमें क्या है, अधिकार है कि मैं ऐसे बाल रखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, इस प्रकार के वाक्यों को मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया है। आज थोड़े अच्छे वाक्यों को सीखने की कोशिश करते हैं और जिसमें आज का टॉपिक है कि मजबूरी वाले वाक्य। फिर इसमें जो है दूसरे प्रकार के और वाक्यों को सिखाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा है मजबूरी वाले वाक्य। मजबूरी वाले वाक्यों में क्या होता है, कर्ता किसी काम को स्वेच्छा से ना करके मजबूर होता है वह किसी काम को करने के लिए। तो इसमें जो है कर्ता किसी काम को करने के लिए मजबूर होगा। तो देखो इसमें लिखा है कि इन वाक्यों में कर्ता किसी काम को करने के लिए मजबूर होता है। ये पहचान के तौर पर मैंने लिख दिया है कि जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, गाना पड़ता है, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो हम जान लेंगे कि जो है इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग होगा। अब बात यह है कि हम लोग सीखते हैं कि हैज और हैव के प्रयोग के साथ जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। ये भी एक नियम है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में ऐसा होता है, पास्ट परफेक्ट के भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों में भी होता है। जैसे मैं कोई वाक्य लिख दूं कि सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है, ठीक है, तो हो जाएगा द सन हैज राइजन। इस प्रकार से हो जाएगा कि द सन हैज राइजन, क्योंकि अब यहां हम देखते हैं कि हैज के साथ मैंने जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये बाकी ठीक है, इस प्रकार के बाकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन अब समस्या ये दिख रही है कि हैज यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, वाक्य की वाक्य पहचान दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम हैज के साथ और हैव के साथ जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है हमारी इन्फिनेटिव का रूप ले लेगी, टू के साथ जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू लगने के कारण यहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार के वाक्य जो है होते हैं। जैसे मैं कोई छोटा सा वाक्य लिख लूं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बनेगा। तो चाहे तो सूत्र लिख लीजिए, तो सूत्र का मतलब जो है सबसे पहले क्या लगेगा, कर्ता लगेगा, ठीक है, फिर क्या लगेगा, हैज टू या हैव टू लगेगा, फिर क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, और फिर क्या लगेगा, कर्म लगेगा, इसके बाद ईटीसी लगा दे, मतलब अन्य शब्दों का हम प्रयोग कर देंगे। तो मुझे इसको ये फार्मूला है, ठीक है, आप लोग इस प्रकार के वाक्यों को जो हम सिखाते हैं उसे कॉपी पर नोट कर लिया करें, ठीक है, इससे आपको जो है आगे फायदा देगी। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो अब यहाँ यही देख बनाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र कह रहा है कि हमारा कर्ता लगाएंगे, तो आई हैज टू लगाएंगे या हैव टू लगाएंगे, ठीक है, तो आई बहुवचन होने के कारण जो है हम यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग कर देंगे, आई हैव टू और गो फर्स्ट फॉर्म है, गो टू कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल, आई हैव गो टू स्कूल, ये जो हमारी प्रीपोजिशन है, इससे भी कोई मतलब नहीं, आगे सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टू लग जाने के कारण जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ज्यादा पूछे तो ये क्या है, हमारी वर्ब इन्फिनेटिव हो जाएगी, इस कारण से हम यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। अगर बात की यही अगर यहाँ पर था कर देंगे तब हैड टू का प्रयोग हो जाएगा, और हैड टू जो है अकेली सिंगल वर्ब होने के कारण जो है इसके साथ चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन हो
ये सभी के साथ लग जाएगी, ये थोड़ा आसान और हो जाता है। कोई दूसरा वाक्य लिख लेते हैं, शीला को बाजार जाना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था। ठीक है, तो शीला हैड टू और गो टू मार्केट, शीला हैड टू गो टू मार्केट, शीला को बाजार जाना पड़ता था। अगर फ्यूचर की बात करूं मैं तो गागी के आएगा तो फ्यूचर का हो जाएगा। इस बाकी को लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए एक लिखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा पास्ट का हो गया और तीसरा फ्यूचर का हो गया। देखो, राम को पत्र लिखना पड़ेगा, राम को पत्र लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा राम, सूत्र देखकर बना लीजिए, जब गागी के आएगा ऐसे समझ लीजिए है हूँ है आएगा, तब ये लगेगा, था थी थे आएगा तो ये लगेगा, गा गी गे आएगा तब ये लगेगा, है आया है तो मैंने ये लगा दिया, था आया है तो इसका प्रयोग कर दिया, अब गा आएगा तो मैं इसका प्रयोग बिलहैव या सैलैव का, बिलहैव टू या सैलैव टू का प्रयोग कर दूंगा। लेकिन इतना याद रहे कि आई और बी के साथ जो है सैलैव का प्रयोग होता है और बाकी सभी के कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग, विल हैव टू का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो राम हमारा जो है आई और बी ना होकर के दूसरा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, राम विल हैव टू, और क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, विल हैव टू राइट, राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरे प्रकार के वाक्यों को सिखाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा लगे करें लगा करें तो वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें और बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि वीडियो जो है बात तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब्सक्राइब थोड़े कम है, इसे आप बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और दूसरे प्रकार के आइए, दूसरे प्रकार के वाक्यों को देखते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने एक वाक्य लिखा था, शायद कुछ ऐसा वाक्य था कि तुम्हारे पास कितना धन है, ठीक है, तो इसमें भी जो है हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, तो इस प्रकार के वाक्य को देखते हैं कि किस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये होते हैं हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मच, ठीक है, इसका मतलब होता है कितना है, ठीक है, इन दोनों का अर्थ प्राय हम लगा देते हैं कितना, ठीक है। अब बात ये समझने की है कि हाउ मैनी का प्रयोग किसके लिए करेंगे और हाउ मच का प्रयोग किसके लिए करेंगे। तो हाउ मैनी का प्रयोग उन चीजों के लिए करते हैं जो काउंटेबल है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो जिन चीजों को गिना जा सकता है, हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि थोड़े बच्चों को ज्यादा समझ में आए, ठीक है, तो जिन चीजों को गिना जाएगा उन चीजों के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग कर देंगे, मतलब काउंटेबल थिंग्स के लिए जो है हम हाउ मैनी का प्रयोग कर देते हैं। और हाउ मच का प्रयोग मैं उनके साथ करता हूँ जो चीजों को मैं गिन नहीं पाता हूँ, ठीक है, जैसे धन और रुपया, रुपया जो है गिने जा सकते हैं और धन गिना नहीं जा सकता है। थोड़ा सोच के देखिए कि रुपया गिना जा सकता है लेकिन धन नहीं गिना जा सकता है। इसी प्रकार से पानी, दूध, इन चीजों को मैं गिन नहीं पाऊंगा, इन चीजों को मापा जा सकता है। अर्थात ऐसे अगर वर्ड्स आ जाएं कि तुम्हारे पास कितना धन है, गिलास में कितना पानी है, ठीक है, तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, तब जो है हाउ मैनी का प्रयोग कर दूंगा। और ऐसी इस प्रकार के वाक्यों में जो है हाउ मच का प्रयोग करूंगा। तो मैंने समझ लिया कि हाउ मच का प्रयोग जो है, हाउ मच का प्रयोग परिमाण बोधक संज्ञाएं अगर आ जाएं
तब मैं जो है हाउ मच का प्रयोग करूंगा, और हाउ मैनी का प्रयोग जो बहुत चीजें जो काउंटेबल है जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ करूंगा। एक वाक्य लिखते हैं फिर उस समझाते हैं। देखो तुम्हारे बगीचे में कितने पेड़ हैं, ठीक है, तुम्हारे बगीचे में कितने पेड़ हैं, ठीक। अब लिखते हैं दूसरा वाक्य लिखते हैं, तुम्हारे पास कितना धन है, ठीक है। अब एक वाक्य में जो है हैज हैव का प्रयोग होगा और एक वाक्य में हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो पेड़ हैं ये भी वाक्य में सिखा दूंगा, इसमें देर का प्रयोग है, ऊपर वाले वाक्य में देर का प्रयोग है, नीचे वाले वाक्य में हैज हैव का प्रयोग होगा, ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसी अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तुम्हारे पास तुम्हारे बगीचे में कितने पेड़ हैं, तो वाक्य होगा कि पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं, एक राजा था। तो इस प्रकार के वाक्य जो बनेंगे, पेड़ हैं तो देयर आर ट्रीज हो जाएगा, ठीक है, देयर आर ट्रीज, पेड़ हैं। और तुम्हारे पास, ये तो मैं सिखा ही चुका हूं कि हैज हैव का प्रयोग जो पास के लिए लग जाता है, तो अब यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो ऊपर वाला वाक्य जो है इसमें पेड़ गिने जा सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी का प्रयोग कर दूंगा, और धन जो है गिना नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर जो है हाउ मच का प्रयोग कर दूंगा। देखिए सबसे पहले लगेगा गिनी जाने वाली चीज है, तो हाउ मैनी, ठीक है। अब क्या चीज है इसके साथ जिसका संबंध होगा, क्या है हाउ मैनी मतलब क्या है, तो पेड़ है, ठीक है, तो हाउ मैनी ट्रीज हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मैनी ट्रीज तो हो जाए कितने पेड़। अब लगेगा, अब यहां देखते हैं हाउ मैनी ट्रीज कितने पेड़, तो पेड़ तो इधर आ गया, ठीक है। अब इसी वाक्य को देखते हैं, अब इंटरोगेटिव वाक्य हो रहा है, इंटरोगेटिव वाक्य है तो इसमें साइक्रिया पहले लग जाएगी, तो हाउ मैनी ट्रीज आर, ठीक है, देयर, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, कहाँ है, तुम्हारे बगीचे में, तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन, ठीक है, ये फ्रेज के रूप में आया है। ये भी चीजें धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करेंगे, अभी नया नया चैनल है, हर चीज आपको एक ही चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा। तो इस तरीके से बनेगा, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन, तुम्हारे बगीचे में कितने पेड़ हैं। ये वाला वाक्य देखते हैं, इसमें जो है हैज हैव का प्रयोग होगा, ये मैंने इसलिए लिखा कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, वरना आप कहेंगे हैज हैव का प्रयोग सिखा रहे सर, इसमें हैज हैव का प्रयोग हुआ ही नहीं, तो इसमें होगा। देखो धन है, धन जो है गिना नहीं जा सकता है, तो यहां पर करेंगे हाउ मच, हाउ मच, अब क्या चीज है, मनी, हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मच मनी, अब किसके पास है हाउ मच मनी, और हैव यू, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर धन का संबंध था, यहाँ पेड़ का संबंध है, साइक्रिया यहाँ कर्ता से पहले आई, यहाँ पर देर ने कर्ता का रूप लिया अर्थात यहाँ पर भी साइक्रिया पहले आ गई, तो हाउ मच मनी हैव यू, तुम्हारे पास कितना धन है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं, और भी बहुत सारे वाक्य हैं कि तुम्हारे मकान में कितनी खिड़कियाँ हैं, तुम्हारी किताब में कितने पेज हैं, ठीक है, तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, ऐसे तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगली वीडियो में और कुछ अच्छा लेकर के आऊँगा, और हमारे चैनल को मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें।